मेरा नाम नुसरत साइमा है, मैं 29 साल से इधर जॉब कर रही हूँ एज अ नर्स। शौक मुझे वकील बनने का था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, उसमें दुश्मनियाँ बहुत पड़ जाती हैं, फिर आप फीमेल हैं तो उसको फेस करना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर मैं उन्होंने मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था, लेकिन फिर मैंने नर्सिंग चूज़ की। जैसे ही ड्यूटी पे आ गई, उसने यूनिफॉर्म पहन लिया, उसकी सारी जो परेशानियाँ, घर की टेंशन, ये वो सारी वो पीछे छोड़ के आ जाती है। सही कह रही हैं कि डॉक्टर के मुकाबले में नर्स ज़्यादा काम करती है, लेकिन जो इज़्ज़त नहीं मिलती उसमें मेरा ख्याल है कि माशरती सोच है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फील आप कर रहे होते हैं कि चूँकि उसकी भी ज़ाहिर है किसी क्लोज रिलेटिव की हुई है डेथ या कुछ भी, कोई तकलीफ में है, जैसे कोई एम्पुटेशन होगी उसमें भी तकलीफ होती है, लेकिन उसमें संग दिल नहीं होते। संग दिल जो देखें, जब हम घर जाते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं हम, वो लग रहा होता है कि हम संग दिल हो गए हैं, लेकिन होते नहीं हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। बड़ा बेटा मेरा DAE कर रहा है, और बेटी मेरी, उसके बाद मेरी बेटी है, बेटी FSC उसने की है, अभी MBBS कर रही है। और जो उससे छोटा बेटा है वो FSC सेकेंड ईयर में है, सबसे छोटा भी 9th में है। जैसे हॉस्पिटल की ड्यूटी है, आपको पता है कि किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई तो मतलब घर में टाइम तो देते हैं, लेकिन उसमें जहन इसी तरह उलझा होता है कि कहीं खुदा नहास्ता कोई, मेरी चूँकि ड्यूटी सर्जिकल एरिया में है तो वहाँ पे आपको पता है आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। जैसे धरने होते हैं उसमें आपको बिल्कुल, उसमें तो स्टैंड बाय पे रहना होता है हर वक्त, कि आप घर में हैं अगर तो आपको बुलाया जा सकता है, अगर आप ड्यूटी पे हैं तो वापस जाने के लिए भी आपको कन्फर्म नहीं होता कि आप कितने बजे वापस जाएंगे। घर में मैं जैसे आती हूँ, खाना आके रोटी बनाई, रोटी बना के सब जैसे सब मिल के खा लिया खाना, फिर मेरे शौहर चले जाते हैं। ये भी मसाइल होते हैं कि जैसे इन लॉज में स्पेशली अपने घर वाले तो समझ जाते हैं बात को, इन लॉज में ही होता है, वो समझ रहे होते हैं शायद जानबूझ के ड्यूटी लगवा ली है, इस तरह तो नहीं होता, छुट्टी तो सबको मिल जाती है। क्रिसमस डेज में ही होता है कि अक्सर होता है कि इदारे को भी पता होता है कि छुट्टी देनी है, लेकिन साथ ही ये कहा जाता है जी आप 25-26 की छुट्टी कर लें, 27 को आप ज्वाइन कर लें, फिर आप न्यू ईयर पे जाके छुट्टी दोबारा ले लेना। अब जैसे मेरा है, मैं लाहौर से हूँ, मेरे इन लॉज लाहौर में, अब इस तरह तो हो नहीं सकता कि आप 2 दिन पहले कर लें फिर 2 दिन बाद में कर लें, मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं कि छुट्टी नहीं मिलती। और ईस्टर पे तो अक्सर ऐसे होता है कि ड्यूटी भी करनी पड़ती है, बहुत दफ़ा मैंने ईस्टर डेज में ड्यूटी की है। नर्सिंग जो है एक बड़ा इज्जत वाला पेशा है, बड़ा ही मतलब आप दुआएं लेते हैं लोगों से, इस प्रोफेशन में आए, यंग जनरेशन आए, अपने मैं इस जगह पे हूँ कि मैंने अपने फैमिली भी खुशहाल है, घर वाले भी खुश हैं। नर्सिंग में आए नए बच्चे जो आते हैं, ये मत सोचें कि नर्सिंग की इज्जत नहीं है माशरे में तो हम ना जाएं।